दोस्तों आज दुनिया में क्या माहौल चल रहा है, इस चीज से हम सभी चिंता में और अवगत हैं। हम जब भी टीवी को देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमनली कही जाती है कि अगर हमें अपने और अपने परिजनों को इस वायरस के खतरे से बचाना है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना होगा। यह जो वायरस है यह सबसे ज्यादा अटैक उन लोगों पर करता है जिनकी की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, और ऐसे लोग खासकर वह है जो की 65 से उम्र के ऊपर हैं, 10 साल से उम्र के छोटे बच्चे, या फिर ऐसे लोग जिन्हें की किसी भी प्रकार का प्री मेडिकल कंडीशन हो जैसे कि डायबिटीज, लिवर या फिर लंग्स की किसी भी प्रकार की बीमारी। आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा आसान पर बहुत ही ज्यादा असरदार घरेलू उपचार के बारे में जानने जा रहे हैं। इस घरेलू उपचार का नियमित रूप से पालन और सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। कृपया इस वीडियो को एंड तक तो जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों इस उपाय को हम अभी जल्दी ही जानेंगे। ये पहले मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा असरदार टिप्स के बारे में बता देता हूँ जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो जो पहली चीज जिसका कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, वह है कि आपके रात की नींद अच्छी तरह से पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे क्लिनिकल शोध में ये पाया गया है कि जो भी लोग 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा कम पाई गई है। आप कभी ये महसूस करिएगा कि अगर आप करीब 3 से 4 दिन कम नींद को ग्रहण करते हैं तो आपको 5वें दिन जुकाम जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, आपका शरीर टूटने जैसा महसूस होगा और आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि आप बीमार हैं। तो दोस्तों ये सब जो हो रहा है यह नींद के अभाव की वजह से होता है। तो इसलिए रोजाना अपने सोने और उठने का एक टाइम बांधें और आज के माहौल को मद्देनजर रखते हुए करीब 8 से 9 घंटे की नींद तो जरूर लें। दूसरी टिप है कि रोजाना एक गोली गिलोय घनवटी की भी जरूर लें। गिलोय घनवटी को आयुर्वेदा में सदियों से इस्तेमाल करा जा रहा है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। गिलोय हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ा देती है और साथ में हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक बनते हैं उन्हें भी दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और तीसरी टिप है कि रोजाना करीब 3 लीटर पानी तो जरूर पिएं और साथ में जितने ज्यादा आप फ्रूट्स खा सकते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पानी से हमारे शरीर का जितना भी टॉक्सिक होता है वह बाहर निकल जाता है और हमारा पाचन सुचारू रूप से काम करता है। फ्रूट्स के अंदर बहुत प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल टॉक्सिक को खत्म करने में बहुत ज्यादा मददगार पाए गए। आइए दोस्तों अब उस घरेलू नुस्खे के बारे में जानते हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच शहद। आपको पहले लहसुन की कलियों को छील लेना है और फिर किसी भी चीज की मदद से इनको क्रश कर लीजिए यानी कि पीस लीजिए थोड़ा सा। लहसुन को हम जब थोड़ा सा पीसते हैं तो इसके अंदर एक कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है जिसे कि जाना जाता है एलिसिन के नाम से। एलिसिन एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। यह हमारे शरीर में एक प्रकार की नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। जब लहसुन को पीसे हुए आपको 2 से 3 मिनट हो जाए तब आप इसे आसानी से खाने के लिए छोटे छोटे भाग में काट सकते हैं और फिर 1 चम्मच शहद के साथ इसे मिलाकर सुबह खाली पेट इसे चबाकर अच्छे से इसका सेवन करें। एक बार इस उपाय का इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इसका आपके शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली असर आपको देखने को मिलेगा। कृपया वीडियो में बताई गई बातों का एक बार नियमित रूप से पालन करें और फिर आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है वह कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमारे साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करिए और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिए ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आती रहें। हम अगली बार एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।